एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्नाना धोना वगैरह सब हो गया है, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह भी हो गई है। तो मैं अब कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो उसमें मैं बना रही हूँ आज सूजी और बेसन की चीले। तो आपको दिखाती हूँ कि बनते हैं कैसे बनते हैं। तो और उसके बाद, एक तो आज संडे है तो हम लोग आराम से ही उठे, इसलिए सब चीज़ लेट में ही हो रहा है संडे को, क्योंकि फिर कल से डेली से तो फिर स्कूल का ही हो जाता है रूटीन। तो फिर उसी हिसाब से ही उठना होता है, 5 बजे या 4 बजे। तो आज 6 बजे करीब उठे हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करी, तो बस यही हो रहा है काम वगैरह। तो थोड़ा निपटाते हैं घर का काम वाम, तो उसके बाद मिलते हैं आगे आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं आगे आपसे। जी, नाश्ता करने से पहले ना, मैं जो कल के कपड़े थे ना, कल धूप नहीं आई हुई थी, तो जो कल के कपड़े मैं वो धूप में डाल दी, स्कूल की ड्रेस वगैरह है। फिर मैं अंदर नाश्ता बनाने में और काम में बिजी रहूँगी तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। तो कोई भरोसा नहीं है आजकल मौसम का, कब धूप आ रही कब बारिश हो रही। तो मैंने कहा चलो ये कपड़ों को पहले मैं धूप में डाल देती। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं ओम को ले जा रही हूँ ना, इसका ब्रश, हाथ मुँह वगैरह धुलाने के लिए। इसको ना एक दो दिन बुखार था, तो आज तो थोड़ा ठीक है लेकिन वीकनेस इसे हो रही है। तो मैं इसका हाथ मुंह और ब्रश वगैरह करा लूँगी। कल ही मंडे है तो कल स्कूल जाएगा, तो तब इसे नहला दूँगी। तो इसको ना ब्रश या हाथ मुंह धुलाने के लिए ऐसे पटाना पड़ता है, क्योंकि छुट्टी के दिन इसका कोई रूटीन नहीं होता कि ब्रश करना है मुझे, नहाना है। बस इसका खेलने में ही मन रहता है और खेलने में मगन रहता है, छुट्टी के दिन तो ये काफ़ी खुश रहता है। तो बस बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं यहाँ पर बनाने लग गई सूजी और बेसन के चीले। तो जो फर्स्ट होता है ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं बनता, थोड़ा चिपक जाता है तवे पे, बाकी फिर अच्छे बन जाते हैं ये, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ, उसके बाद सबको खिलाती रहूँगी। तो चीले ना तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो ये सिर्फ छुट्टी उट्टी वाले दिन ही ज़्यादा सही रहते हैं बनाने में, क्योंकि टाइम लगता है। तो बस मैं अब बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, तो बर्तन भी साफ़ कर लिए साथ ही साथ, और ये विम मैंने आज ख़त्म हो गया था, इसमें नया रखा है, तो इस डब्बे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसके ओने कोने ये 2-3 डब्बे, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया, तब देखने में भी अच्छा लगता है ना, और तब काम करने का भी मन करता है जब ये डब्बा अच्छे से साफ़ हो, विम का अच्छा दिखे, मतलब जो अच्छी दिखे ना, तो तभी काम करने का भी मन करता है। और देखने में अच्छा ना हो तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वो सब हमारे हाथ में है, हम कितना अच्छा करें या कितना बुरा करें। तो बस उसके बाद फिर जो ये टाइल्स मैंने छींटे भी बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, जो मैंने वो बनाए थे चीले वगैरह, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर आ गई अपने रूम में, रूम में आई तो मैंने सोचा चलो अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो बेड का हेड है उसको कॉलिन से साफ़ कर लिया, कर्टन्स की रॉड वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली है, क्योंकि इनमें डस्ट वगैरह हो ही जाती है, क्योंकि ये जो सफाई है ना डेली डेली नहीं हो पाती है, मेरा हो या चाहे किसी का भी, इतनी ज़्यादा क्लीन तो नहीं होती, हल्का हल्का चलो ऊपर ऊपर से पूछा, झाड़ू पूछा, कपड़ा मार दिया जाता है, बस हो गया। तो बस आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है, और उसके बाद ना क्या कहते हैं, मैं ये बेड शीट है जो उसको भी हटा दूंगी, और पीलो मैं धूप में रख दूंगी, क्योंकि अच्छी धूप आई हुई है, कवर वगैरह सब धो दूंगी। तो बस ड्रेसिंग के आगे पीछे जो है जितना हो सके तो मैंने कर ही दिया है लगभग। तो जब रूम साफ हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक काम हो गया, ये डीप क्लीनिंग हो गई है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब झाड़ू वगैरह लगा दिया है, फिर पोछा भी लगा दूंगी अभी थोड़ी देर में। तो बस इसके ओने कोने दरवाजे के पीछे आगे सब इस तरीके से मैंने लगभग मैंने कर ही दिया है। तो मेरा यहाँ पर झाड़ू वगैरह हो गया है, और रूम में ना मेरी एक दो फोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसकी भी धूल साफ़ कर लेते हैं। तो वो धूल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, और फिर थोड़ा बहुत ना मुझे लगा कि अभी थोड़ा और डस्ट है इसमें, तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर ले आई, मैंने कहा चलो इसका भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी इसको भी यूज़ करना चाहिए। तो बस इससे भी थोड़ा जो है साफ़ कर लिया है। फिर आई यहाँ पर जो ये फ़ोटो भी वगैरह सब साफ़ हो गई हैं। तो उसके बाद मेरा जो है ना रूम का काम लगभग हो ही गया है, मुझे आधा पौन घंटा करीब लग गया था, तो 11 बजने वाला है। तो मेरा ये सब हो गई है सफाई वगैरह। तो उसके बाद बस बसते हैं मेरे कपड़े। तो ना काफ़ी अच्छा लगता है जब भी रूम साफ़ हो जाए, तो लगता है यार चलो एक काम हो गया बड़ा भारी। तो बस ये हो गया आज, तो सब मैं एक संग नहीं करती हूँ, अलग अलग रूम की, जैसे आज अभी कर ली है अपने रूम की, तो फिर कभी दूसरे रूम की कर ली है, तो ऐसे ना हम पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है, तो काम भी इजी से हो जाता है, सफाई भी हो जाती है। और उसके बाद जो मैंने बेडशीट उठाई हुई थी ना, तो बस मैं उसको भी अब यहाँ पर बिछा देती हूँ, बेडशीट भी और कुशन वगैरह में लगा दिया। अब देखिए मेरा रूम कितना सुंदर लग रहा है, नीट एंड क्लीन। और उसके बाद मैं ये कपड़ों को पलट देती हूँ बाहर, और उसके बाद मुझे धोने हैं अब लास्ट में कपड़े। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल की ड्रेस भी मैं कल धो चुकी थी, कल सैटरडे था तो मैं कल ही स्कूल की ड्रेस भी धो ली थी मैंने, और क्या कहते हैं ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह भी धुल गई थी, थोड़े कपड़े हैं।
तो बस इसलिए मैंने आज अपनी रूम की ना सफाई कर ली है, क्योंकि रोज रोज तो हो नहीं पाती ऐसी सफाई। देखो रोज ना अलग अलग टाइप की सफाई होती है, तो फिर आज मैंने सोचा चलो रूम की सफाई कर लेते हैं। छुट्टी भी है, बच्चे घर ही में है, तो इसलिए मैंने सारी कर्टन्स की जो ये रॉड है ना, तो ये रॉड वगैरह सब इसमें डस्ट हो रही थी, तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया है। शीशा क्लीन कर लिया है और बेड का हेड, इसमें तो खैर रोज ही कपड़ा मांगना पड़ता है कॉलिंग। और हाँ, उसके बाद होगी लंच की तैयारी। तो देखिए ये मानू का डिस्पोजल से बनाया हुआ फ्लावर पॉट तैयार है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, इसमें लग गई येलो कलर के फ्लावर। तो देखिए यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ नेल पेंट, क्योंकि ये जो मॉर्निंग का मेरा जो काम है वो सभी हो गया है और लंच बना रही है अभी सासू माँ, तो मुझे नेल पेंट लगाना ना पैरों में काफ़ी अच्छा लगता है, बिना नेल पेंट के ना मुझे पैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम सभी लेडीज़ को थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि घर में तो काम दिन भर काम ही काम होते रहते हैं, तो थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। तो बस मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आगे, बाय बाय।